स्नेहयुक्त व्यवहार सबका सहयोग दिलाता है और सहयोग से हर मुश्किल आसान हो जाती है। बड़ा गर्व का विषय है कि हमारे शीर्ष नेतृत्व ने वर्ष 2001 में कार्यकर्ताओं और अन्य संगठनों के सहयोग के मंतव्य से एक प्रकोष्ठ का गठन किया जिसका नाम सहयोग प्रकोष्ठ था। पूर्व में हमारे मुख्तार अब्बास नकवी जी इसके संस्थापक प्रभारी रहे, उसके उपरांत डॉक्टर हर्षवर्धन जी, अपने सैयद शाहनवाज हुसैन जी, वीरेंद्र ज्वाल जी और माननीय अश्विनी कुमार, इन सब के सहयोग से पिछले लगभग 12 वर्ष से ये प्रकोष्ठ कार्य कर रहा है। उनके अनुभव और मार्गदर्शन के मंतव्य से हम सबसे मिलेंगे, जिससे कि कार्यकर्ताओं का, संगठन का और अधिक हम सहयोग कर सकें। सहयोग सेल जब बना तो उसके पीछे जो कल्पना थी वो मुख्य रूप से ये थी कि सरकार और संगठन के बीच में एक बेहतर तालमेल हो, पूरे देश के कार्यकर्ता, पूरे देश में जो समर्थक हैं उनकी छोटी मोटी जो समस्याएं हैं, या सरकार से बहुत सी शिकायतें भी होती थी उस समय, क्योंकि जब 2001 में ये सहयोग सेल बना है उस समय लगभग 12 या 13 जगहों पर बीजेपी और एनडीए की मिलाकर सरकारें राज्यों में थी और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार चल रही थी। तो कार्यकर्ताओं का, यहाँ तक कि विधायकों का, सांसदों का, तमाम तरह के शिकायतें आती थी, सुझाव आते थे कि हम सरकार से ये बात करना चाहते हैं, हम सरकार को ये कहना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि सरकार में जो लोग काम करते हैं उनको व्यस्तता रहती है, ये बात भी ठीक है। तो उस दृष्टि से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वेंकैया नायडू जी थे, उन्होंने अटल जी, आडवाणी जी और तमाम लोगों से बात की, और क्योंकि उस समय मैं संगठन और सरकार के बीच में भी तालमेल का काम देख रहा था, तो इसलिए मैं भी वहाँ पर था। फिर अटल जी का भी था कि भाई ठीक है, इस तरह का एक संगठन में एक सिस्टम बनाओ और उसमें उसके माध्यम से जो है वो तालमेल होना चाहिए, अच्छी बात है ये, और सरकार की जो उपलब्धियां हैं वो भी लोगों तक पहुंचे, इसका भी सहयोग से जो है वो व्यवस्था करे। तो उसको लेकर के फिर सहयोग सेल बनाया गया। उसमें जब उसका शुरुआत हुई तो उसमें स्वयं अटल जी प्रधानमंत्री के रूप में, आडवाणी जी गृह मंत्री के रूप में, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे वेंकैया जी, प्रमोद जी, हम लोग सब लोग वहाँ पर थे और बहुत अच्छी तरह का एक कार्यक्रम हुआ और सहयोग का सेल बना। उसमें फिर तमाम पार्टी के कई वरिष्ठ लोगों को अलग अलग समय पर अलग अलग उसकी जिम्मेदारी दी गई और लगभग सभी राज्यों में सहयोग सेल बना और बहुत प्रभावी ढंग से काम किया उसने। जिन राज्यों में हमारी सरकारें थी वहाँ पर ये कंपलसरी कर दिया गया था कि जो मिनिस्टर्स हैं राज्य सरकारों के, एक दिन चीफ मिनिस्टर को एक दिन आकर के आधे दिन बैठे सहयोग सेल में, और नहीं तो मिनिस्टर्स जो हैं एक या दो एक उसमें जो रोस्टर ड्यूटी लगाई गई कि कोई ना कोई आकर बैठे, और कभी कभी मैं भी जरा जाता था, कभी कभी हमारे और भी सहयोग सेल से संबंधित जो प्रमुख लोग थे वो जाते थे और बहुत अच्छी तरह से। सर, मैं मानता हूँ कि सहयोग सेल इसलिए भी जरूरी है कि संगठन के जो कार्यकर्ता हैं करोड़ों की संख्या में, उनकी तमाम तरह की छोटी मोटी समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं को सहयोग सेल बेहतर तरीके से उसका निपटारा कर सके। हमारे कई सांसद हैं, कई राज्यों में सरकारें हैं या केंद्र में भी जहां सरकार है, मुख्य विपक्षी पार्टी है, उस नाते सहयोग सेल जिसको भी किसी प्रमुख नेता के माध्यम से उनकी समस्या का समाधान करा सकता है तो वो कोऑर्डिनेशन करके करें, और आने वाले दिनों में सहयोग सेल की और बड़ी भूमिका होने वाली है। क्योंकि अगर मान लीजिए कि जिन राज्यों में हमारे चुनाव हो रहे हैं उन राज्यों में हमारी सरकारें बढ़ेंगी, केंद्र में हमारी सरकार बनेगी, तो ऐसे हालात में तमाम तरह की चुनौतियां और तमाम तरह की जो और मजबूती के साथ सहयोग सेल की
उपस्थिति है वो दिखाई पड़नी चाहिए। और उसके लिए जो अभी वर्तमान में सहयोग सेल में जो लोग काम कर रहे हैं, श्रीवास्तव जी हैं या उससे पहले अश्वनी जी ने, तो बहुत अच्छा जिस तरह से वो पूरी तरह से सहयोग सेल को उन्होंने एकदम अपने में एब्जॉर्ब कर लिया था और वो खुद एक हिस्सा बन गए थे उसके, और बहुत अच्छी तरह से वो पूरा, मैं देखता था कि ठीक 9:30-10 बजे आ जाना, पूरे देश से कार्यकर्ता आते थे, उनसे कार्यकर्ताओं को मिलना, मिल करके उनको चिट्ठी देना, फोन करना, ये सारी चीजें वो करते थे और आने वाले दिनों में भी अच्छी तरह से ये काम होगा, मेरी ऐसी ही शुभकामनाएं। मुझे बड़ी खुशी है कि हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के श्रद्धेय प्रेरणा पुरुष श्री कुशाभाऊ ठाकरे जी की जन्म दिवस की पूर्व संध्या पर आयोजित उनकी स्मृति को समर्पित सहयोग प्रकोष्ठ के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में सहयोग प्रकोष्ठ के इतिहास के बारे में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को स्मरण कराने का प्रयास किया जा रहा है। यह बहुत ही उचित अवसर है क्योंकि श्रद्धेय कुशाभाऊ ठाकरे सहयोग के, सेवा के, मार्गदर्शन के, संस्कारों के और सब अच्छे सद्गुणों की पराकाष्ठा के प्रतीक थे। मुझे सौभाग्य मिला हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री वेंकैया नायडू जी की टीम में उपाध्यक्ष के रूप में काम करने का, और जब मैं उपाध्यक्ष बना तो वेंकैया नायडू जी ने जो भारत सरकार के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में मंत्री थे, उन्होंने एक अभिनव प्रयोग किया और उस अभिनव प्रयोग के तहत इस सहयोग विभाग की स्थापना की गई, जिसके पहले संयोजक के रूप में मुझे कार्य करने का सौभाग्य मिला। इसके पीछे भाव यह था कि जब सरकार देश में आती है तो कार्यकर्ताओं की बहुत सारी समस्याओं के समाधान के लिए वो मंत्रियों के पास जाते हैं, मंत्रियों के पास समय का अभाव रहता है, उनके अपने काम होते हैं, उनको सरकार की बहुत सारी नीतियों का पालन करना होता है, सरकार की बहुत सारी मीटिंग्स को अटेंड करना होता है और समय के अभाव के कारण कभी कभी कार्यकर्ताओं की अपेक्षा के अनुरूप जो मंत्रियों को करना चाहिए वह करने में उन्हें कठिनाई होती है। और इस अभिनव प्रयोग के तहत श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो हम सब के हृदय सम्राट हैं, पूरे देश के हृदय सम्राट हैं, उनकी सरकार जो कि देश में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में एक बहुत ही पॉपुलर सरकार के रूप में स्थापित हुई, उस सरकार के मंत्रियों ने श्री वेंकैया नायडू जी के आदेश पर एक अभिनव प्रयास किया। वह भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय में आते थे, यहाँ कुछ घंटे बैठते थे, देश भर के कार्यकर्ताओं से मिलते थे, उनकी समस्याओं का समाधान करते थे और मुझे मौका मिला उनको सहयोग करने का। जब हम लोग उनकी सारी समस्याओं के अनुरूप यहाँ सहयोग प्रकोष्ठ में उनकी सहायतार्थ यहाँ पर पत्र इत्यादि बनवाते थे, उनको मंत्रियों से दस्तखत करवाते थे और फिर मंत्रियों की ही सहायता से इस बात का फॉलोअप करते थे कि जो हमारे कार्यकर्ताओं की जेन्युइन समस्याएं हैं उनका निश्चित रूप से समाधान हो। और मैं ये समझता हूँ कि यह एक प्रकार से श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी और हमारे जो पार्टी के वरिष्ठतम नेता श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी, उन सब के आशीर्वाद और मार्गदर्शन में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री वेंकैया नायडू जी ने प्रयोग प्रारंभ किया। मुझे बड़ी खुशी है कि आज एक दशक के बाद भी यह प्रयोग देश में, जबकि हमारी सरकार नहीं है तब भी इसको चलाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं आज के इस अवसर पर श्री कुशाभाऊ ठाकरे जी की महान पुण्य और श्रेष्ठ सात्विक स्मृति को प्रणाम करता हूं और सभी देश के अपनी पार्टी से जुड़े हुए नेताओं से ये अनुरोध करता हूं कि वह सब कुछ करें लेकिन कभी ना भूलें कि हम सब जहां कहीं भी हैं वो कार्यकर्ताओं के अथक प्रयास और परिश्रम के कारण है, हम उन्हें कभी ना भूलें। देखिए, जब मैं राष्ट्रीय मंत्री के नाते मुझे ये जिम्मेदारी
जब मैं उड़ीसा का प्रभारी भी था और राष्ट्रीय मंत्री भी था, तब ये जिम्मेदारी मुझे सहयोग की भी थोड़े दिन के लिए मिली थी। लेकिन जितना अच्छा काम सुरेश जी कर रहे हैं उतना अच्छा मैं नहीं कर पाया था, क्योंकि मैं ज़्यादा समय नहीं दे पाया था। और जहाँ तक सवाल है, उससे पहले भी जब भारत सरकार में हम लोग मंत्री थे, तब हम लोगों ने सहयोग सेल तभी बना था कि मंत्री आकर बैठते थे और कार्यकर्ताओं की समस्या को सुनते थे। तो उन्होंने कहा थोड़ा समय सहयोग में लगा लें, तो मैं ज़्यादा समय नहीं दे पाया। सुरेश जी बहुत ज़्यादा समय दे रहे हैं और बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, बहुत बहुत बधाई, बहुत लोगों का काम कर रहे हैं और पूरी सुबह से शाम तक इसी में वो लगे रहते हैं, उनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। मैं सहयोग प्रकोष्ठ के संयोजक श्री सुरेश श्रीवास्तव जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मुझे बहुत से अनुभव आए कि दूर दूर से देश के कोने कोने से कार्यकर्ता दिल्ली में आते थे और अपना छोटा मोटा काम लेके, कोई ऐसा लोगों का काम लेके, जनता के हितों का काम लेके आते थे। मुझे अच्छी तरह स्मरण है कि लद्दाख से हमारे एक जिला अध्यक्ष है, वो अपने दामाद का ट्रांसफर लेने के लिए, ट्रांसफर करवाने के लिए आए थे, तो हमने माननीय अडवाणी जी से दो तीन बार प्रार्थना करके उनका काम कराया, तो उनके चेहरे पे जो सुकून मिला, इतने दूर से कोई कार्यकर्ता यहाँ आता है, तो हमको अच्छा लगा कि इस प्रकोष्ठ की बड़ी उपयोगिता है। इतना ही है कि प्रकोष्ठ गति से काम करता रहे और सुरेश जी एक एनर्जेटिक है, अनुभवी है और बहुत उत्साही कार्यकर्ता भी है। तो मुझे लगता है यह प्रकोष्ठ की नींव जिसके सबसे पहले संयोजक डॉक्टर हर्षवर्धन जी थे, फिर शहनवाज जी बने, उसके बाद ये दायित्व हमको मिला, हमारे बाद हमारे बीच में हमारे स्वर्गीय अश्विनी जी इस कार्य को देखते थे और उसके बाद सुरेश जी देखने लगे। मेरी शुभकामनाएं हैं सुरेश जी के नेतृत्व में देश भर के कार्यकर्ताओं का, जनता का, जितना भी हो सके, तो जितना हम ये कार्य कर सके उतना हमको सुकून मिलेगा। मैं पुनः अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। सहयोग प्रकोष्ठ का जो निर्माण किया है उसमें से स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी यह समाज जीवन में सामान्य व्यक्ति तक पहुंच करके उनके अपने कठिनाई, दुख, दर्द, उनमें वह सहभागी हो सके, वहीं से लेकर के किसी भी स्तर के व्यक्ति को किसी भी प्रकार की यदि कोई कठिनाई होती हो और भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में आकर के वो अपेक्षा करते हैं कि हमको इस विषय में और पार्टी सहयोग करे, तो ऐसे विषय में भी पार्टी अपने सहयोग प्रकोष्ठ के माध्यम से उनका सहयोग यह करेगी। और इसको यहाँ पर ही न लेते हुए इसका व्याप काफी बड़ा है, तो हम यह कह सकते हैं कि पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हो सकते हैं, पुराने पदाधिकारी हो सकते हैं और संगठन मंत्री रहे हुए लोग हो सकते हैं, ऐसे सारे ही लोगों को और साथ में जोड़ना, उनके अपने दुख दर्द को समझना और उसमें सहभागी पार्टी हमेशा होती रहे, अर्थात वो पार्टी के साथ में तादात्म्य अनुभव कर सके, इसके लिए सहयोग उन सब को भी जोड़ने का काम यह करता रहे। मुझे लगता है कि इस प्रकार की एक अपेक्षा इसके साथ में है। और भी जो आयाम आवश्यकतानुसार समय पर जुड़ेंगे, जैसा कि चुनाव के समय में भी या जहां जहां सरकारें आ जाती है उस समय में भी आम लोगों को अनेक प्रकार के सहयोग की आवश्यकता होती है, उस समय भी सहयोग प्रकोष्ठ यह अपनी अहम भूमिका निभाने के लिए आगे आएगा और उन समस्याओं के हल जिसके कारण आम कार्यकर्ता, आम व्यक्ति कठिनाई अनुभव करता है, हल करवाना चाहता है, उसको भी हल करने में यह सहयोगी रहेगा। इस प्रकोष्ठ को चलाने वाले अर्थात प्रारंभ करने वाले जो लोग रहे हैं उनमें अश्विनी जी कुमार की बहुत एक अहम भूमिका रही है, संगठन मंत्री थे, लंबे समय तक उन्होंने काम किया और इस प्रकोष्ठ को स्थापित करने के लिए उन्होंने निश्चित रूप से बहुत अच्छे ढंग से परिश्रम किया हुआ है। आज दिल्ली में यह सहयोग प्रकोष्ठ एक स्थापित प्रकोष्ठ इस रूप में हो गया कि जिसका नाम लोग जानने लगे और
अपने श्रीमान सुरेश जी, जिनकी अपनी गतिविधि, जिनकी अपनी तड़पन मन की, उस सबसे यह प्रकट होता है कि वास्तव में सहयोग संगठन के माध्यम से पार्टी को अपनी भूमिका एक किस रूप में निभाना चाहिए, इसके लिए वो सतत रूप से प्रयत्नशील रहते हैं। मेरी और परमेश्वर से यही कामना है कि वो इस सहयोग प्रकोष्ठ में लगे हुए कार्यकर्ता, जिसमें सुरेश जी भी है ही, इन सबको और वह शक्ति दे कि जिसके कारण हम आम जन में सहयोग संगठन के माध्यम से, सहयोग प्रकोष्ठ के माध्यम से पार्टी की पेट बना करके हम अधिकतम लोगों को जोड़ सकें, अधिकतम लोगों के दुख दर्द कठिनाइयां दूर कर सकें, ऐसी शक्ति वह प्रदान करें, यही मेरी प्रभु चरणों में प्रार्थना। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, मंत्री और सरकार, इन सबका जो सूत्रधार है, इन सबको जो एक सूत्र में मिलाता है, वो है सहयोग प्रकोष्ठ, सहयोग सेल। और इस सेल की बहुत आवश्यकता थी, क्योंकि इसके माध्यम से सब लोग एक दूसरे को जान पाते हैं, एक दूसरे से अपना सुख दुख बता पाते हैं, और उसी से देश की उन्नति होती है। नकवी साहब ने इसको सबसे पहले शक्ति दी, उस शक्ति से ही हुआ कि सबका आपस में एक तार जुड़ गया। आदरणीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसकी बड़ी प्रशंसा की। उसके बाद मेरे चाचा जी अश्विनी जी ने, जिन्होंने बहुत ही लगन से इस सहयोग सेल को अपने अंग का एक हिस्सा बनाया, केवल उसमें कार्य नहीं किया, अपना जीवन दिया। और आज मुझे बहुत खुशी है कि उसी सेल के माध्यम से हम सब एक दूसरे से मिलते हैं, बात करते हैं, एक दूसरे की कथा को जानते हैं, एक दूसरे के सुख दुख का निवारण करते हैं। नेताओं में, कार्यकर्ताओं में, सरकार में एक सूत्र बनता है, और मुझे बहुत खुशी इस बात की कि अब यही काम श्री सुरेश श्रीवास्तव जी को दिया गया है, जो बहुत ही प्रेम से, लगन से इस कार्य को कर रहे हैं। अटल जी तारीफ किया करते थे कि अश्विनी जी बड़े समय से आते हैं, काम करते हैं, समय से जाते हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि उन्हीं के शिष्य तो हैं सुरेश जी, ये बड़े समय से काम करते हैं। मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूं कि हमारा ये सहयोग प्रकोष्ठ, सहयोग सेल, हमेशा देश की उन्नति में सहयोग करे, और सभी कार्यकर्ताओं को, सभी नेताओं को आपस में एकजुट कर दे, हमेशा किसी की दूरी न रहे आपस में। इसलिए मैं अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और इस सहयोग प्रकोष्ठ को बधाई दूंगा।